दिल्ली हाई कोर्ट ने बब बोर्ड में नियुक्ति में हुए कथित अनियमितता से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए दो लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान का भी नाम शामिल है। जस्टिस स्वतंत्र कांत शर्मा ने आरोपी जीशान हैदार और दाऊद नासिर की याचिका खारिज कर दी है। दोनों को ईडी ने नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया था। 1 जुलाई को जस्टिस शर्मा ने कहा था कि अमानतुल्ला खान ने बेनामी दारी हैदर और नासिर के नाम से अचल संपत्ति खरीदी थी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट की जांच के दौरान सबूत जुटाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि अमानतुल्ला खान ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची थी। इसमें कहा गया है कि अपने सहयोगियों जीशान हैदार, दाऊद नासिर और अन्य के नाम के जरिए अवैध तरीके कमाए पैसे को अचल संपत्ति लगा दी। कोर्ट ने कहा कि संपत्ति की खरीद के नाम पर ट्रांजैक्शन हुए थे। बैंकिंग और कैश दोनों के माध्यम से करीब 36 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा था कि तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि दोनों याचिकाकर्ताओं को नियमित बेल नहीं मिल सकती है। अमानतुल्ला खान के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर और दिल्ली पुलिस की 3 शिकायतों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चलाया जा रहा है। जांच एजेंसी ने 5 आरोपियों के नाम लिए थे, जिसमें अमानतुल्ला की 3 कथित सहयोगी जीशान हैदार, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी थे। अमानतुल्ला के घर छापेमारी में मिले थे कई सबूत। ईडी ने अमानतुल्ला खान के परिसर में छापेमारी की थी और यह दावा किया था कि अमानतुल्ला खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध नियुक्ति के नाम पर पैसा कमाया है और उस पैसे का इस्तेमाल अपने साथियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने में किया। छापेमारी के दौरान कई फिजिकल और डिजिटल सबूत पाए गए। मार्च में लगातार समन से बचने के कारण हाई कोर्ट ने अमानतुल्ला को अंतरिम बेल देने से इनकार कर दिया था।